बताओ गाइस कैसी कर दूंगा क्या फोन आ जाओ बॉयज। पता है कल क्या सीन हुआ था तुम लोगों को? हाँ हाँ पता है। हाँ बताया था बताया था। बताओ। तो वही था, उसी रिलेटेड बात थी। अभी पैट्रिक को तुम लोगों ने बोला कि योर बॉय वाज बिजी, बट फिर हमने जब तुम्हें लाइक तुम्हारे बंदे को छोड़ दिया था, उसके बाद भी तुम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, हमारे बॉयज को। अगर वो इतना बिजी था तो फिर फॉलो क्यों कर रहे थे? आई मीन यू नो द स्टोरी राइट? आई माय कैन साइड, यू बाकी अपना या साइड कैन बताओ। यू इलैबोरेट योर साइड वंस टू मी वंस टू कि मी क्या हुआ था वहां पे? हाँ हाँ एक बार मेरे को बता दो। नॉर्मल हमारे बॉयज जा रहे थे हॉस्टेज बनाने, दे सॉ अ गाय, उसने उसको उठाया, एंड फिर समवन फ्रॉम योर गाय सेड कि यू श्योर यू वांट टू डू दिस, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, एंड फिर तुम लोग आई गए और तुम्हारे हॉस्टेज लाइक हमारे बंदे ने हॉस्टेज बना के रखा था, यू केम एंड फिर हॉस्टेज छुड़वाया, दैट वॉज द थिंग। ओके सो उसके बाद भी कुछ हुआ था लाइक और भी कंटिन्यूशन हुई थी उस चीज की? उसके बाद कुछ रेडियो पे कॉल दिया था कि डेविस के हैं ऐसा समथिंग। हाँ तो आई विल बी प्रिसाइज विद द वर्ड्स। जो भी बंदा था वहाँ पे, जो कौन सी गाड़ी थी वो? कुछ पर्पल सुल्तान थी राइट? तो पर्पल सुल्तान सुल्तान में वाला मंकी बंदा, मास्क वाला गाय था। हाँ एक बंदा आके बोलता है डेविस वाले छक्के चलो, और वहां से गया और हमने उसको बोला रुक जा क्या बोल रहे तू। देन हमने उसका पीछा किया, देन वही निकोला पे उसको हमने रोका, बॉक्स किया, फिर वहां पे गाली गलौज हुई। तो मैं वही बोल रहा था कि लाइक ये सब होने का जो भी हुआ अभी, तो मैं लगता है कि नीडेड था, क्योंकि यू ऑल्सो नीड हॉस्टेजेस टू डू एनी सी सी सिचुएशन। सी मैं लिसन वैसे लिसन बता रहा जर्मी। हूँ, हाँ एक बार हाँ नहीं सी कर, सी हाँ हॉस्टेजेस चाहिए होते हैं, सबको ही चाहिए होते हैं, बट द थिंग इज वहाँ ज्यादा पे बोलता है इसको वहाँ पेलो पे रुक के इन्होंने सीधा यही ही। बोला था कि अभी वो बंदा हमें चाहिए, वी नीड है, उसको छोड़ दे, अभी जाने दे, किसी और को बना ले। एक बात एंड दे बताऊं, सेड इट मल्टीपल बट टाइम्स। एक बात बता दे, जिसको बताओ हॉस्टेज बनाया बताओ। था उसको पूछा था भाई तुझे कुछ काम है, वो बोलता है नहीं। उसको ये भी नहीं पूछा उसने कि कुछ भी सामान नहीं रखना बोला, है तुझे, उसको तो तू पूछा था सामान भी उसने ही रख। बोला नहीं नहीं ब्रो, अभी उसको ऐसा तो कुछ नहीं पूछा गया था। नहीं नहीं उसको उसने ऐसा बोला कुछ था, पूछा नहीं गया पूछा था। उसने एंड ये लिसन बोला था लिसन, सामान है तो कुछ रख दे सब और ऐसा। उसके साथ हाँ तो में भी एक सामान वाला बंदा हुआ था था, बस। वही इससे सामान वाला हुआ था, उसके साथ वाला जो बंदा भी था उसने भी बोला था भाई मत। मत क्या लाइक मत? व्हाई व्हाई मत क्या? वेट अ सेकंड, यू आर अरे जेरेमी राइट? सी सी एक सेकंड नो, यू आर जेरेमी राइट? आई टेल यू द होल थिंग मैन, क्या हुआ था वहां पे। तो वी वर गोइंग फॉर अ बूस्ट, ठीक है, क्या किस लिए जा रहे थे? और बूस्टिंग। बूस्ट बूस्टिंग। अच्छा। सो वी थ्री वर गोइंग, मी एसके एंड अलॉन्ज़ो। तो दो बंदे हमारे थे पिंकेज पार्किंग में, ओके okay? तो तुम्हारा बंदा आता है एलगी में, एसके को उठा के लेके जाता है। तो हमारा बंदा उसको मना करता है कि ब्रो मत बना, फिर वो बोलता है कि आई श्योर अबाउट दिस, आई एम मेकिंग हिम हॉस्टल, ठीक है, पहले मना करने के बाद। एंड देन जब वो लेके जाता है ना, तो वो रेडियो पे कॉल देता है हमें कि एसके को कोई उठा के ले गया। तो वी नीडेड दैट गाय उस टाइम पे, एसके। तो बट वो लड़के हमने ने, उसका एक सुनो होल्ड ऑन, वो लड़के ने जब हॉस्टेज बना उसके बाद भी एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को सिचुएशन में जाना है, ना, लेट मी फिनिश उसने ना एक बार जेरेमी भी मेंशन नहीं किया वंस, था। उसके बाद यूज़ है ओके। तो हमने उसका पीछा किया वो एलगी या वाले का, कुनाल तो वो रुक करेंगे नहीं रहा था, बट करेंगे फिर भाई लीजन के कैन वी पार्किंग में हैव आके वो रुका। थर्टीन तो हमने हंड्रेड उसको बोला, लाइक्स मैंने उसको बोला कि भाई इसको छोड़ दे, हम सिचुएशन में आ रहे, ये हमें चाहिए बंदा। तो डिनाई किया, मैंने उसको 2-3 बार बोले गई थी, फिर भी उसने डिनाई किया। तो उसके बाद उसको गन पॉइंट करके हमने बोला कि भाई इसे छोड़ दे, ये बंदा चाहिए हमें। गोली तो वो मार गोली कहता है मार। जो एलगी में बैठा था कि भाई हमने तो पकड़ा ही नहीं है इसे, ये खुद बैठा है इधर। तो मैंने अपने बंदे को बोला आ जाओ मेरी गाड़ी में। तो उसके बाद तुम्हारा एक कोई बंदा था जो पर्पल सुल्तान में था, वो फिर मेरे से नाम पूछता है, हाँ नाम पूछता है, और पूछता है कहाँ रहते हैं। तो मैंने बोला डेविस पे बात करना हो, आ जाइए बात। रुक जा पाला तो उसने जिंदा। में तुम्हारा एक बंदा रेडियो पे, आई डोंट नो जो भी था वो, बाद में पैट्रिक ने बताया कि वो रेडियो पे बोल रहा था, बट वो चिल्ला के कहते हैं डेविस के ये ऐसा करके, ठीक है। तो हमने फिर उसको पूछा भाई रुक जा करके उसको 2-3 बार बोला, बट वो लीजन से निकोला तक गाड़ी भगाता गया। फिर निकोला पे उसको हमने स्लाइड पिट करके उसको साइड में रोका कि भाई तू किसे कह रहा है। तो उसने उधर डिनाई कर दिया, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं, मैं तो किसी और को बोल रहा था। मतलब ये बोलने के बाद वो मुंह पे कैसे डिनाई कर रहा है, जब उसने बोला है अरे मुंह मैंने पे तुम्हें डिनाई नहीं क्या, बोला मैं रेडियो सुन 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 पे। मैं हाँ बोलता हूँ यहाँ पे क्या सीन हुआ। जो इसने क्या ना, इसने पॉइंट किया, मैंने इसको कॉल दिया कि भाई अबे को पॉइंट कर रहा है, क्या सीन है। तो ठीक है, फिर बोलता है होस्टेज को कर रहे हैं। मैं कहा भाई अभी होस्टेज उठाया क्या हो गया, इतना क्या इशू हो रहा है। फिर बाद में जो तुम्हें सिचुएशन आई, जब तुम्हारे बंदे ने बोला ही नहीं, कुछ सिचुएशन में था, उसने कुछ बंदे को कन्फ्रंट किया, भाई मेरे बंदे झूठ नहीं बोलेंगे मेरे को अगर कुछ हो तो। हम तो ये क्यों ऐसा कुछ बोलते हैं भाई बोला ही नहीं सामान वगैरह सिचुएशन में। रखते। हाँ
अब वो तुम्हारा बंदा तुम्हारे मुंह पे झूठ बोल रहा है, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को जो मेरे बंदे ने बोला सामान रखने वाला सीन हुआ था ये, तो हाँ तो ये बोला, ये भी बोला था, ये कौन पूछता है, एक बंदा बात कर लिया, चार पांच मिनट बात, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला, मतलब अबे ने बोला कि कुछ मतलब सामान रखना, तो अगर तब होता तब बोलता मैं सिचुएशन में छोड़ दो, हम क्या छोड़ते नहीं, जब ये उठ गया भाई तो आगे उठने के बाद भी मैं तेरे को बोला ना भाई तीन से चार बार कि छोड़ दे भाई उसको, लेके सिचुएशन में जाना है, जब वो उठ गया उसको ले लिया तब तुम आगे उसको पीछे तो आगे बॉक्स कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो, अब वहाँ पे सीन का मैं बॉक्स नहीं किया ब्रो, उसको क्लियर बोल रहे छोड़ दे उसको, कुछ भाई गन पॉइंट करके घूम रहा था, गन पॉइंट पे गन पॉइंट के पहले कितनी बार पूछा था, पूछ लो अपने बंदे को भाई छोड़ दो, तुमने सिचुएशन की बात पता कब की थी, जब वहाँ पे लीजन पे हम रुके थे, जब लीजन के पार्किंग में थे, हाँ तब रुके थे, तब तब की थी, वहाँ से मैं पूरा घूम कर आ गया इधर से, मैंने तुमको कितनी बार, अरे तुम गाड़ी नहीं रोक रहे थे ब्रो, एक मिनट एक मिनट, तुम रोक नहीं रहे, एक मिनट एक मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला जवाब ये दिया, सुन भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तुम्हें ये करना है, अच्छा हाँ ठीक है समझ गए तुम्हारे, मेरे को एक बात बता, तुम लीजन पे रुके ठीक है, तो वहाँ पे आके जब तुम्हें वो बता रहा है ऑलरेडी ठीक है, चलो ठीक है उसने तुम्हें शायद पहले तुमने सुना नहीं होगा उसकी बात ठीक है, या उसने फिर बताया नहीं, तुम उसके गन पॉइंट कर दी, नहीं 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 उसके उठ गया नहीं, तुम भाई तुम्हें बीच में अगर तू एक बंदे के सामने मेरे बंदे को उठा के लेके जाएगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नहीं शादी वादी नहीं होगा, बंदा है वो मेरा लड़का है, बता अब क्या दिक्कत होगी, यही देख एक सीधी बात ब्रदर, सुख जा, देख पॉइंट यहाँ पे थी कि अगर तुम लोगों को हॉस्टेज चाहिए था, बंदा चाहिए था, जो भी था ठीक है, हमने जब छोड़ दिया उसके बाद भी तुमने फॉलो किया, अगर तुम्हें सिचुएशन में जाना फॉलो नहीं करते, एक मिनट सुन मेरे को एक बात बता, अगर कोई भी सिचुएशन चल रही हो ठीक है, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, अगर एक बंदा आके बोल के जाएगा हम लोग को कि डेविस पे रहने वाले छक्के हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे भाई, देख हम नहीं पूछेंगे क्यों बोल रहा है भाई, मैं तो ऐसे बोल दिया, मैं कभी भी वो तो, तू बोल, तू बोल के गया भाई, मैं तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, तू बोल के, और तू एक मिनट चुप रह, गर्मी से बात हो रही है ना, मैं बोल रहा हूं, एक बंदा बात करो बस, मैं बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हां तो बोल, तू मैं इसको बोला, मैं कहा भाई छोड़े भैंस एक छक्के हैं ना आपके, डेविस वाले ने छोड़ निकल यहां से, ये एग्जैक्ट बोलते हैं, और रेडियो भी दिया था, ऐसे ही दिया था, अब बाकी तूने इसको जैसे लेना ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई तू जैसे लेना लेने की बात नहीं, तू बोल ही तो रहा ना हमें किसी के भी सामने, भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन, हाँ तो अगर तू जानता नहीं है, एक मिनट अगर तू जानता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो तू छक्का बोल देगा, और क्या बोलते तो ऐसा सीन है भाई, बोल देते है तू, बात की बात मत कर यार भाई, सुन एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुन सुन बोल रहा है, तू बोल दिया, बोल दिया, बोल के जा रहे हैं, बोल दिया, तो बोल दिया, मैं सुनो सुनो एक चीज मैं बोल रहा हूं जर्मी, एक मिनट मैं बोल रहा हूं ठीक है, एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि वो सिचुएशन में जो बंदा हॉस्टेज बन रहा है उसका मुंह नहीं है बोलने का कि वो सिचुएशन में उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि मैं सिचुएशन में हूँ, मेरे को मत उठाओ किसी और को उठा लो, ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे, जस्ट टेल मी वन थिंग, बस उसने नहीं कहा, वो गाड़ी में बैठ गया, उसने बोला नहीं है, तो उसके आगे कुछ नहीं था, अब चलो मेन जो पॉइंट था ना यहाँ पे मेरा ये था कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हें जहाँ पे भी जाना सिचुएशन में उसके बाद भी तुमने फॉलो किया ठीक है, अब यहाँ पे सीन ऐसा है, मुझे तो लग रहा था कि नहीं है कोई सिचुएशन में तुम्हें जाना नहीं था, एंड आगे भी हॉस्टेज बनते रहेंगे, तुम्हारा भी बनेगा मेरा भी बनेगा, ये मेरे को पता है ठीक है, बट जो तक कल तुम्हारा तरीका था कि फॉलो करके ढूंढना बॉक्स करना, वो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आई डोंट नो एग्रेसिव था ठीक है, अब मेरे को जो भी है एग्रेसिव था ये था, बट अगर सब लोग अगर ये करने पे आ जाए ना, अगर हमारा भी कोई बंदा उठा रहा है, कल को तुमने उठा दिया तो रोज डेली गोलियां चलेंगी, और वो नहीं चाहता मैं, किसने गोली चलाई भी नहीं थी या कुछ भी नहीं हुआ, सुन मेरी बात, अभी तूने बोला बंदा है ना, एक सेकंड रुकना, ब्लड शेड की मैं बात बताता हूँ हुआ, पता है क्या, जब ये कॉल दिया ना डेविस वाला, तब पैट्रिक रेडियो पे था, उसने बोला कुछ भी मत करना गलती से भी, तीन लोग निकल चुके थे ठीक है, अगर पैट्रिक ये नहीं बोलता ना कि कुछ मत करना, ये डेविस के मैं जानता हूँ ठीक है, तो गोलियां चल जाती, बट वहां पे तो ब्लडशेड वाली बात ऐसी कुछ हुई भी नहीं थी,
देख तूने खेला, तूने बॉक्स खेला। लिसन जर्मी जर्मी हियर मी वंस, सुन द थिंग इज आई नो यू गाइस राइट, माय बॉयज डोंट नो यू ऑल ओके। द थिंग इज अगर बाय चांस हमारे साथ कोई भी रैंडम बंदा करता ना, हम कभी सोचे भी नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ठीक है, जो कल हुआ ना हमारे साथ, if say I also didn't know you, being very frank with you, अगर मैं भी नहीं चलता था तुम लोगों को, मेरे बंदे शायद से गुड़ी चला भी लेते। अरे वो सीन मैं बता दूँ वहाँ पे। लेकिन पैट्रिक listen, गोली चलाने ना चलाने में ना हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है वहाँ पे? प्रॉब्लम वही है कि हमारे साइड से उस चीज को लेकर ना अग्रेशन आया नहीं। वी सेड भाई छोड़ दे उसको, अब हमें जाना है ठीक है, वहां तक अग्रीमेंट था, छोड़ दिया, वहां से गाड़ी लेके सब अपने अपने रास्ते जाए। तो वहां पे बीच में ये छक्कों वाली बात बीच में लाने की जरूरत है, क्योंकि देख उसके बाद जो सुट्टी सी, आई नो सीसी लिसन, यहाँ पे बुलाया इसलिए गया है क्योंकि वहां पे बाद में इसको गालियां दी गई थी एंड उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज पैट्रिक हिमसेल्फ सेड कि उसने रेडियो पे कॉल दी थी रिगार्डिंग यू नो डेविस वाले छक्के। तो मेरे को एक बात बता, जर्मी सुन सुन, अभी मैं यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन के बीच में ये बोल के जाऊँ कि ग्रू वाले तो छक्के हैं, अपने रेडियो पे ना हो, तुम लोग सुन के लोगे। जो भी खड़े ठीक है, आई नो यू एंड योर बॉयज ओके राइट, बाकी उस दिन इंट्रोडक्शन होने वाला था बट बिकॉज वो वैनजी का क्यूब यू का सीन था वो टाइम हुआ नहीं ठीक है। माई बॉयज डोंट नो यू गाइस ठीक है, बीइंग वेरी फ्रैंक, अगर कोई भी रैंडम लोग होंगे ठीक है, अगर मेरे सामने कोई बंदा है जिसको मैं जानता नहीं हूँ ठीक है, फॉर टेक एनी लोकेशन मैं जानता नहीं हूँ और वो मेरे सामने कुछ भी करते हैं, आई वोंट, मुझे ये मैं उनको कुछ भी बोल दूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो देम, मुझे जानता नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। दैट इज वाई मेरे बॉयज ने जो बोला है बिकॉज उनको आइडिया नहीं है लाइक दोस्त है नहीं है क्या है कौन हो। इफ समझ ले कोई रैंडम बंदा देखो कुछ बोले हमारे लिए भी तू रैंडम ही था वहाँ पे, यू नो वी डोंट नो यू, तो वो गाली गलौज वहाँ पे आएगी। सुन देख अगर तू बोल रहा गाली गलौज वो ठीक है, अभी सीन क्या हुआ, मैंने उसको बस ये बोला कि भाई मैं छुपकियां छोड़ निकलो अगला होस्टल उठाओ, उसके बाद मेरी गाड़ी में दूसरा होस्टल भी था, अब वहाँ पे तुम मेरे को छुपा के चेस कर रहे हो ठीक है, लीजन से मैं दूसरा बंदा उठा भी लिया था, अब मेरे को तू नहीं जानता, मैं इसने बोला डेविस मैं ना मैं तुमसे मिला हूं, मैंने बोला मैं छुप के छोड़ो इनको निकलो अगला होस्टल उठाओ, ये बोला मेरी एग्जैक्ट तो रेडियो पे थी, और तुम्हें उस बात पे मेरे को कंफर्ट करके क्या बोल रहे हो कि हाँ भाई गाड़ी रोकिए, तो रोकी मैंने निकोला पे, मैं इनको स्टोर पे होस्टल छोड़ने जा रहा था तब तुमने बॉक्स किया, फिर तुम क्या क्या बोल रहे थे, अपनी बातें भी तो याद रखो ना भाई। छक्का गिरी हम नहीं करते, होस्टेज के लिए रोने लग जाते हैं, तुमने क्या किया तो होस्टेज के लिए रोने वाली बात ही नहीं है, क्या बोल रहा है भाई, एक बात करना है कुछ वही, एक बात बता, एक बात बता, सुन 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 शॉन मेरे को एक बात बता, एक बार तू होस्टेज बना था, सुन सुन तू होस्टेज बना था एक बार, और तेरे को उस बंदे ने बताया भी था राइट कि नाम कैल्विन है, कुछ दिक्कत हुई तो ग्रुप पे आके बताया, तो हमें कोई दिक्कत थी उस टाइम पे उस बात ब्रो, नहीं थी हमें कोई दिक्कत थी, बट अगर अगर उसका कुछ रीजनिंग है तेरे को, अगर हम बोल रहे रुकने के लिए तो तुम रुको ही, उस पर हम क्या बोलेंगे, और मेरे को एक बात बताओ, तूने जो मेरे को बोला कि तुम्हें कोई जानते क्या, तो एग्जैक्टली भाई सुन मेरी बात, सुन मेरी बात सुन, तो ऑब्वियसली तेरे को भी गाली गलौज पड़ेगी ना, हम तुझे नहीं जानते हैं, तू एक तू हमें देखो अनजान लोग है, तू आके छक्का बोल के जाएगा तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे उस बात, अरे वो बात की दिक्कत नहीं है, गालियां दी तू अभी भी, तेरा ये बंदा ये बोला है कि औकात में रहना चाहिए, औकात की क्या बात इधर, तो ये बंदा तो ये बंदा बोल रहा छक्कों वाली हरकतें कर रहे हो, तो अब मेरे को बात बता वही है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टोरी बात, नहीं रुक जा रुक जा, छक्कों वाली बात अभी बोले, उससे पहले तेरा बंदा बोला है, नहीं नहीं उससे पहले भी बोल चुका है, उससे पहले सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, पहले एक बार उसने बोला तो ठीक है, सिचुएशन का एग्रेशन छोड़ के मैंने कुछ नहीं बोला, बट वो चीज वही है कि वो अब यार दिखता है यार सामने से क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो यू नो वो एग्रेशन करने का वो है ही नहीं, कल तुम्हें नहीं पता था ये कौन है, इसे नहीं पता तुम कौन थे ठीक है, अभी का सीन छोड़ दो, वैसे भी बात करने के लिए बुलाया ताकि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज आई नो नोवा एंड ट्रेविस एंड सियाज, तुम लोगों को जानता हूँ मैं, बट ये लोग नहीं जानते, इनमें से कुछ लोग नहीं जानते तुम्हें, सीधी सी बात है अभी सॉर्ट करने के लिए बुलाया, अभी बजना होता तो लाइक दोनों साइड से, मैं तो मेरा सीधा सीन बोलता हूं, सब चीजें हो सकते हैं, लिसन 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 डकिन देख देख, अभी हम लोग के साइड से किसी का भी तेरे को इनिशियली कोई भी एग्रेशन दिखा, हम बस बात ही करने आए, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग का, समझ रहे, हम लोग का एक्चुअली इस रिगार्डिंग उतना कुछ हुआ था पता भी नहीं चला, मेरे को तो आके पता चला कि पैट्रिक का बंदा, एंड देन यू नो पैट्रिक ने कॉल किया था इसके रिगार्डिंग ट्रेविस को,
तो उतना हमें मतलब वो भी पता नहीं था कि क्या सीन हुआ। देखो बात ऐसी है, हम लोग के साइड से अग्रेशन कभी भी किसी चीज को लेके आता नहीं है क्योंकि है ही नहीं हमारा वैसा, यू नो। तो बात ऐसी है वहां पे अगर वो पॉइंट सी वो पॉइंट नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे उस चीज पे, हम भी बस बात खत्म करने के लिए बोला था कि वी अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है जो पैट्रिक ने बोला, एंड वी डोंट वांट एनी बीफ विद एनीवन राइट नाउ, वी डोंट वांट कि किसी के साथ भी रिलेशन खराब हो, जैसे भी है न्यूट्रल है या फिर कैसे भी है अभी के लिए, सो वी डोंट वांट दैट। और हॉस्टेज की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं यार, मतलब जो भी है जैसा भी सीन था, तुम्हारा सीन उधर से था, हमारा इधर से सीन था कि हमारा सिचुएशन चल रही थी, तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डन सीन करो, ज्यादा सॉर्ट आउट करना है अभी सॉर्ट आउट कर लो बस, और कुछ अरे मैं तुम्हें बस वो बोल रहा हूँ, देखो अब मैं ना तुम्हें कुछ एग्रेशन में ना मैं तुम्हें उंगली कर रहा हूँ, जैसे मेरा नॉर्मल सीन था वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, तुमने होस्टेज लिया, सुनो वहाँ पे मैंने बस इतना बोला कि भाई इनको छोड़ो निकल निकल, मैं तुम्हें थोड़ी मीन करता हूँ, जब मैं तुम्हें जानते हो ना बंदों का नाम पता है, मैं तो बस अपने रेडियो पे बंदों को बोला और तुम मेरे को गाली दे रहे हो। एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ, उस टाइम पे अगर देख अगर तू एक अननोन पर्सन के सामने ये बोल के जाएगा ये तो छक्के इनको छोड़ो, अगर जान पहचान नहीं है या उसको पता ही नहीं तेरे इंटेंशंस क्या है वो बोलने के या कुछ क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आके पूछेंगे राइट, अग्रेशन तो उस साइड से भी आएगा ही, ऐसा तो है नहीं मतलब ताली एक हाथ से बचती है, समझ रहे हो? वही वो उस साइड से कभी होता नहीं है, हम लोग को ऐसा है ही नहीं कि मतलब समझो किसी को जाके सामने से कुछ करना है। तो वही था मेनली जो टॉपिक था ना कि अगर हॉस्टेज को तुम्हारे एक बंदे ने भी बोला था कि चांटा मार जा घूमता फिरेगा, तो मैं उस बात पे उसको गाली दी थी और तुम्हारे बंदा कॉन्टिन्यूअसली दे रहा था, तो वो भी देख लेना ठीक है। अब बात तुम्हें गाली हमारे साथ से शुरू हुई नहीं थी ब्रो, क्योंकि हम कभी शुरू नहीं करते यार गाली, अगर तुम बोलेगा तो अगर तुम किलो में अगर नाप लो कि मैंने नापने की बात ही नहीं है, नहीं नहीं वो बात वो नापने की बात ही नहीं, गाली वहां से चालू होती है जहां पे किसने चालू करी, क्योंकि जब हमने गाली गलोच वहां पे करी नहीं किसी चीज को लेके, वहां से तमीज से बात कर रहे थे हर चीज को, इवन इफ वी डोंट नो हम फिर भी तमीज से बात कर रहे हैं, अगर गाली आई नहीं आती तो हम भी देते ही नहीं, ठीक है। तो वही था नोवा, आई गेस योर नेम इज नोवा राइट, यप यप। हां नोवा देखो यही था कि कल हम लोग भी गोली वगैरह चला देते हैं, एंड वी डोंट वांट कि ये छोटी छोटी चीजों पे होता रहे, ठीक है। अभी वी वांट कि हम लोग सबसे थोड़ा बहुत सब लोग ग्रो करते हैं, सारे ग्रुप्स ग्रो करते हैं यू नो राइट, तो हम नहीं चाहते किसी से भी बिगाड़ लें ऐसे ये छोटे मैटर्स में। एंड जो अभी बात थी ना ये लेके बात थी कि अगर तुम्हारा बंदा कोई सिचुएशन में तो ठीक है, बट जेन्युइनली आई डोंट वांट कि कोई कुछ काम करने जा रहा है सब पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कहता है, इतनी सी बातों पर गोली चल जाए या कुछ भी हो, अगर तुम बोलते हो तुम्हारी साइड से नहीं चल रही थी लेकिन हमारे साइड से चलने वाली थी, ये तो पैट्रिक ने लेटर ऑन जैसे ये कॉल आया कि डेविस के तो मना कर दिया था, नहीं तो चल जाती कैसे भी करके हम लोग भी आ रहे थे। तो यही चीज मैं सिर्फ ये सॉर्ट आउट करने आया था कि हम लोग के तरफ से और तुम्हारे तरफ से ये आगे से होना नहीं चाहिए जो भी कल लाइक लास्ट नाइट हुआ था, जो अब हो गया है उसको लाइक द डैमेज हैज बीन डन ना लाइक बोथ साइड से। हॉस्टेज बन जाओ और तुम आगे हमें बोल रहे हो कि भाई वो बंदा हमें चाहिए अभी किसी और को ढूंढ लो, अभी हम रजिस्टर कर रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे जो फर्स्ट कांटेक्ट हुआ ना बंदे से उस समय उसको बताना चाहिए था कि मैं सिचुएशन में हूं, थोड़ी देर बोला ही नहीं घूम के आ गए फिर सुनो उस समय पता है उस समय अरे समय के नहीं यार हम पीछे ही थे वो रुकते तो हम तुरंत बता देते वो रुके ही नहीं पूरा घुमाते घुमाते लेट हो रहा था ना ऑलरेडी उसको लेट हो रहा था। एक मिनट गाइस एक मिनट लिसन फर्स्ट बंदा जो भी है अगर उस समय ही वो बोल देता ना कि मैं किस सिचुएशन में तो बंदा उठाते ही नहीं समझ रहे वहां पे बात ही नहीं बढ़ती आगे और काफी वही ऐसा हुआ हमने छोड़ भी दिया ना वो चीज मत करो तो उसने छोड़ा है तो वही चीज होता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट तुम वही रखो ना कि हाँ भाई मैं सिचुएशन में हूँ मैं एक बार देख चीज लिसन लिसन कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में बट द प्रॉब्लम वाज उसके बाद भी पीछे से इनको बहुत बार इन्होंने बोला था रुकने के लिए बट इसको तमीज से बोला भाई इस बंदे को भी छोड़ दे हमें लेके जाना है
जो भी एलगी में था कल उससे पूछ लो, मैंने उसको कितनी बार आराम से बोला कि भाई छोड़ दे। मैं कहता हूं ट्रेविस ठीक है अपने साइड पे सही है, बट अब एक बार जब हॉस्टेज बन जाता ना उसके बाद सब सिचुएशन में रश इन करते हैं। हां वो आई गेट इट, वो हमारा बंदा बोला नहीं होगा। मैं बोलता हूं सी सी पहले होता आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ओके जर्मी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी, बट मैं बता रहा हूं कि हमारे पर्सपेक्टिव से भी कुछ और चल रहा था वहां पे, समझ रहे हो? वो मैं समझ गया, बट वही है सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही बोल देता ना तो ये होता ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार छोड़े हुए बंदे, सिर्फ इतना सा पॉइंट था, दैट्स इट। हमने छोड़े भी और हमें छोड़ा भी गया, दोनों चीज हो चुका है हमारे साथ, समझ रहे हो? चलो आई गेस अभी मेरे को भी एक बार मैं बैकअप के लिए रेडी था, मेरे को किडनैप करने, मैंने बोला भाई बैकअप के दे रहे हो मत ले जाओ, उसने छोड़ दिया। तो वही होता है ना, फर्स्ट कॉन्टेक्ट तुम रखो बंदे से वैसा ही ना कि तुम क्लियर एंड आउट बोल दो। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ भाई नहीं हूँ, चलो ठीक है मेरे को बस सामान रखे तो मैं चल रहा हूँ साथ में, वो चीज होता है। चलो मिस कम्युनिकेशन की सॉर्ट आउट करेंगे या नन, आई गेस ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर अभी, बट वही है कि आगे से आई डोंट एक्सपेक्ट कि हमारी तरफ से भी ऐसा हो और आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ हो ना। मैं हमारे साइड से ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, मैं लास्ट मिनट में बोलूंगा जो भी सीन था ना जो तुम्हारे साथ सीन था ना, क्योंकि वहाँ पे पैनिक सोचा मैं रशियन वगैरह कर रहा था इनको होस्ट वगैरह, अब मैंने कहा भाई ले गया तो लेके चल रहा, क्योंकि टाइम था पे वहाँ पे हम लेके उतने में गए। हां बट ठीक है भाई, तूने मैं समझ रहा हूँ तूने पैनिक में बोल दिया होगा जो भी रेडियो पे अग्रेसिवली, वो मैं समझ रहा हूँ, बट वही है कि तू हमें नहीं जानता था, हम तेरे को नहीं जानते थे, अब तू हमें रैंडमली ऐसा बोल के आएगा हम तो पकड़ेंगे ना भाई। वही देख वो देख मिंकू वो बात है ना, तू अगर पैनिक में बोल रहा है या तो तू अपने बंदों को ही बोल रहा है, ठीक है तू अपने बीच में ही बोल रहा है कुछ भी हो, अगर वो बात अगर हमने सुनी है तो हमारे साइड से उसका रिटेलिएशन तो होगा ही यार, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते। अब जर्मी तुम्हें भी पता है ये चीज कि अगर तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा बोल किया था तुम तो छोड़ते नहीं, राइट? उसे पकड़ते ना बात करने के लिए। गॉट इट, मैं बोल दिया ना, बट चलो ठीक है भाई, फर्स्ट कांटेक्ट वाला ही रिपीट हो रहा है ना, वही है ठीक है, बात खत्म करते हैं, इट्स लाइक सॉर्टेड, चिल आउट मारो। यप मैं सर से चिल लिया है। ऑलराइट गाइस, यप यप ऑल गुड, वोटिंग होता है बाकी।